अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यासिर इरफान और आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल दी प्रोफेसर पे। जी तो जैसा कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 के ही कौन कौन से पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं, उस चैप्टर को ओवरऑल कैसे कन्फर्म मतलब कि कवर अप हमने करना है ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स कन्फर्म हो सके। अब अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो देखते हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो प्रीवियसली काफी ज्यादा दफा रिपीट हो चुके हैं डिफरेंट बोर्ड्स में। ओवरऑल कंपैरिजन करके जो मैंने नोट किए हैं वो वाले क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। जी तो चैप्टर है हमारे पास नेटवर्क्स का, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है टोपोलॉजीज में से रिंग टोपोलॉजी, सेकंड नंबर पे स्टार टोपोलॉजी और थर्ड नंबर पे हमारे पास बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये जो तीन टोपोलॉजीज है ना, ये ऑलमोस्ट हर दफा पेपर में 5 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरह से पूछी गई है। अब इसमें से आप लोगों ने जस्ट इसका ये नहीं करना कि आपने टोपोलॉजी का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है आप लोग लिख देते हो, ठीक है, तो आप लोगों को कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे इसके, कतई नहीं मिलेंगे। अब इसको किस तरह से क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर रिंग टोपोलॉजी को ही ले लेते हैं हम। सबसे पहले तो आप रिंग टोपोलॉजी को ही एक्सप्लेन करोगे कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखोगे, देन आप क्या करोगे उसकी डायग्राम बनाओगे। ठीक है, हर एक टोपोलॉजी की पर्टिकुलर डायग्राम है, उसका नेटवर्क सेटअप है, आप लोगों की बुक के अंदर दिया गया है, वो आपने उसकी डायग्राम को शो करना है। थर्ड नंबर पे आ जाता है उसकी वर्किंग। ठीक है, तो वर्किंग विद डायग्राम लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर वो पूछता है या नहीं भी पूछता, तो ये चीज 100% इस चीज को मेक श्योर करें कि आप लोग ये चीज जरूर इंक्लूड करें अपने क्वेश्चन में। और लास्ट पे हमारे पास एक फिनिशिंग टच आप कह सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑलमोस्ट तीनों टोपोलॉजीज के मिलते जुलते ही है, माइनर माइनर सा डिफरेंस है, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो चल जाता है काम, तीन तीन चार चार डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना होगा आपको, अपने सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस सारा लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह से आपने अटेम्प्ट करना है, तीनों टोपोलॉजीज को इसी सेंस के अंदर आपने कवर अप करना है। तो ये तीन क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले तीन क्वेश्चन टोपोलॉजीज में से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन 6 से 7 दफा डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर आ चुका है और रिपीटिवली आ चुका है, समटाइम्स तो ऐसा देखने को मिला है फर्स्ट टाइम भी आ चुका है और सेकेंड टाइम भी रिपीट हो चुका है, इस तरह से ये क्वेश्चन आ चुका है। OSI मॉडल एक्सप्लेन एनी टू लेयर्स। अब जो लेयर्स है ना वो कोई सी भी पूछ सकता है, या वो ऐसे भी कह सकता है कि एनी टू, या पर्टिकुलरली आपको नाम दे के भी बोल सकता है कि एप्लीकेशन लेयर को या डाटा लिंक लेयर को या ट्रांसपोर्ट लेयर को, इस तरह से आपको स्पेसिफिकली भी बोल सकता है। तो OSI मॉडल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने 100% करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स, आल्सो एक्सप्लेन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। तो नेटवर्क मॉडल्स के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क विद एग्जांपल्स, हो सके तो आप इंटरनेट से सर्च करके इनकी अगर कोई डायग्राफ मिल जाती है तो वो भी आप करें कि इनको किस तरह से जोड़ा जाता है, स्विचेस कैसे लगाए जाते हैं इनके दरमियान, गेटवेज कैसे लगाए जाते हैं इनके दरमियान। तो ये चीज है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट है एनी नेटवर्क टोपोलॉजीज, तो वही वाली चीज दोबारा से रिपीट, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई सी भी नेटवर्क टोपोलॉजी, दो नेटवर्क टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करें।
तो अगर तो एक पूछता तो उसके अंदर आप वर्किंग डायग्राम, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सारा कुछ इंक्लूड करेंगे। अगर सिर्फ वो, अगर वो दो पूछ लेता है तो आप दो को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? आप उन दोनों की जस्ट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, वर्किंग डायग्राम और लास्ट में उन दोनों का एक टेबल बना देंगे कंपैरिजन का, जिससे कि आइडिया हो जाएगा एग्जामिनर को कि वाकई में कि दोनों की दोनों काफी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। और लास्ट पे है एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ये वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होते ही हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन काफी दफा आया हुआ है, इतनी दफा नहीं लेकिन मिनिमम 3 to 4 times ये भी आया हुआ है। ये हमारे पास अगर टोटल बात करें तो 8 क्वेश्चन, 8 में से भी अगर आप इनको वो टोपोलॉजीज वाला और ये नेटवर्क मॉडल्स वाला आप सम अप कर दें तो ये हमारे पास कुल मिला के आ जाते हैं 5 क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको चैप्टर नंबर 2 को फुल फ्लेज कवर अप कर लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको 100% आने चाहिए, इनमें कोई भी कमी की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि जो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उसमें प्रॉपर आप हेडिंग्स का यूज़ करें, डिफरेंसेस बना के टेबल की फॉर्म में मेंशन करें और उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 3, उसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखेंगे कि उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।